Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing aphorism number 21. Friends, मैं aphorism के explanatory videos हर Thursday को upload करूंगी, तो अगर आप इन classes के साथ regular रहना चाहते हैं, तो please मेरे channel को subscribe कीजिए और bell icon press करिए ताकि आप Inside Organon के upcoming updates miss ना करो. Let's get started. So friends, in aphorism number 21, Dr. Hanuman has explained that now, as it is undeniable that the curative principle in the medicines is not itself perceptible. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो curative principle है, जो चीज एक human being को cure करती है, एक patient को cure करती है, वो medicine में perceptible नहीं होती, हमें दिखती नहीं है. And as in pure experiments with medicine conducted by the most accurate observers, nothing can be observed that can constitute them medicines or remedies except that power of causing distinct alteration in the state of health of human body. Or wo medicines jab pure experiments ke through, matlab drug proving ke through, ek human pe test ki jati hai, to hame pata chalta hai ki wo kis tarike se alterations la sakti hai ek healthy human being ki body mein, and particularly in that of healthy individual, and of exciting in him various definite morbid symptoms. Aur wo alterations ke saath wo kuch morbid symptoms bhi lati hai, aur wahi morbid symptoms aise symptoms hote hain jo ki hame batate hain ki ye medicine ke andar curative power bhi hai. Because friends, hum sabko pata hai that homeopathic remedies are capable of producing the same morbid symptoms जिनके लिए उसे दिया जाता है, या फिर जो symptoms वो cure कर सकती हैं, वो सारे symptoms वो produce भी कर सकती हैं. So this is the sign कि किस तरीके से drug proving के through हमें ये पता चल सकता है कि जो remedies हम prove कर रहे हैं और उनके जो symptoms आ रहे हैं, जो alteration वो normal healthy human being में ला रहे हैं, उन alteration को वो पेशेंट्स में भी क्योर कर सकती है. For handwritten notes and daily dose of previous year AIPGD question, find us on Instagram. Link is in the description below. So, it follows that when medicine acts as remedies, they can only bring their curative property into play by means of their power of altering man's state of health by production of peculiar symptoms. So, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जब मेडिसिन रेमेडी की तरह एक्ट करती है, मतलब जब मेडिसिन किसी को क्योर करने के लिए यूज की जाती है, दे कैन ओनली ब्रिंग देयर क्यूरेटिव प्रॉपर्टी इनटू प्ले, और तब वो अपनी क्यूरेटिव प्रॉपर्टी को प्ले में लाते हैं, मतलब क्यूरेटिव प्रॉपर्टी को यूज करना शुरू करते हैं. बाय मीन्स ऑफ दिस देयर पावर ऑफ ऑल्टरिंग मैन स्टेट ऑफ हेल्थ बाय प्रोडक्शन ऑफ पेक्यूलियर सिम्टम्स, और ये क्या करते हैं उस वक्त, ये ऑल्टर करते हैं मैन स्टेट ऑफ हेल्थ को और कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं. एंड दैट देयरफॉर वी हैव ओनली टू रिलाई ऑन द मॉर्बिड फिनोमिनन व्हिच द मेडिसिन्स प्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी एज सोल पॉसिबल रेवलेशन ऑफ देयर इनडवेलिंग क्यूरेटिव पावर, और इसी के थ्रू हमें रिलाई, हम उस बात पर रिलाई कर सकते हैं कि जो मॉर्बिड फिनोमिनन है, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग क्षमता है इस मेडिसिन की, जो कि वो हेल्दी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकती है, यही एक सोल पॉसिबल रिवेलेशन है, मतलब यही एक सोल पॉसिबल तरीका है जिसकी हेल्प से हमें इनडवेलिंग क्यूरेटिव पावर, मतलब अंदर मेडिसिन के अंदर छुपी हुई क्यूरेटिव पावर का हमें पता चलता है. इन ऑर्डर टू लर्न व्हाट डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर एंड एट द सेम टाइम व्हाट डिजीज क्योरिंग पावर ईच इंडिविजुअल मेडिसिन पजेसेस, और इसी की हेल्प से जो छुपी हुई क्यूरेटिव पावर है, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है एक मेडिसिन की, या फिर डिजीज को क्योर करने की क्षमता है एक मेडिसिन की, इसी के थ्रू हमें पता चलती है. सो बेसिकली अगर हम एफोरिज नंबर 21 को समराइज करें, तो इसमें डॉक्टर हैनमन हमें एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से एक मेडिसिन की डिजीज क्योरिंग पावर या फिर डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर का पता हमें ड्रग प्रूविंग में मेडिसिन को प्रूव करने के थ्रू होता है, और जो मेडिसिन की टेंडेंसी होती है एक मैन के स्टेट को ऑल्टर करने की, वही सेम चीज हमें
यूज करती है मेडिसिन को एक रेमेडी की तरह एक्ट करने में और उसको डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने में. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.